Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are fine. It's my first voiceover and I'm trying to teach you the structure and function of human heart. Firstly, I introduce myself by profession. I am a teacher in a government sector. So let's start our topic. Firstly, we are talking about the circulatory system. The circulatory system have three components. The first is heart, the second is blood, and the third is blood vessels. So we are study here heart. So hum heart ki position ke bare mein baat kar lete hain. Where is heart exist? Heart position. So the heart is present in the chest cavity. It is present in the rib cage. सीने की हड्डी होती है सेंटर में, स्टर्नम बोन, उसकी लेफ्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये तो हो गई हार्ट की पोजीशन की बात. इसके बाद हम हार्ट की साइज की बात कर लेते हैं कि जो हार्ट का साइज है वो कितना होता है. द साइज ऑफ द हार्ट इज जस्ट लाइक योर फिस्ट. जब हम अपने मुट्ठी बंद करते हैं तो वो एक हार्ट का साइज, एक ह्यूमन हार्ट का साइज बनता है. ठीक है, इट्स साइज इज जस्ट लाइक योर फिस्ट. अच्छा जी, तो इसके बाद में हार्ट की कवरिंग की बात कर लेते हैं. ठीक है, कि हार्ट के कितने कवर होते हैं. हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के थ्री कवर्स हैं, तीन पर्दे हैं. द फर्स्ट इज एपिकार्डियम, द सेकेंड इज मायोकार्डियम, द थर्ड इज एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम्स हैव स्पेशल मसल्स विच आर द कार्डिक मसल्स. इसको हम मायोजेनिक भी बोलते हैं. कार्डिक मसल्स मायोजेनिक इसलिए ये ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम वर्किंग करते हैं. ठीक है, और इनकी जो वर्किंग है वो इनवॉलेंट्री होती है. ये इनवॉलेंट्री तौर पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. अब इनकी वर्किंग इनवॉलेंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन और हार्ट का आपस में कनेक्शन नहीं है. दे आर कनेक्टेड. तो जो इनकी मोशन होती है वो रिदमिक होती है. ठीक है, मोशन इनकी रिदमिक है. अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले तो हार्ट के अंदर फोर चैम्बर्स होती हैं और फोर ही इसके वाल्व्स हैं. अगर मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना के आपको हार्ट का टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी, आई होप कि आपको इजीली समझ आ जाए. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो हियर इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट. फर्स्टली इट इज द राइट एट्रियम, इज द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हार्ट की फोर चैम्बर हो गई हैं. ये जो है इन्फीरियर वेना कैवा है, इन्फीरियर वेना कैवा. इसके बाद में ये सुपीरियर वेना कैवा. जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो निचले हिस्से को ब्लड प्रोवाइड करती है. निचले हिस्से से मुराद हमारी लेग्स को ब्लड प्रोवाइड करती है. क्या करती है, वो ऊपर के हिस्से को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है. और ये जो चार वाल्व्स हैं
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये फोर वाल्व हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व इज मोर स्ट्रांग और ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इन सब का ही काम ब्लड पंपिंग का है। अब इधर जो हैं बाइकैप्सिड वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये बाइकैप्सिड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी दो फ्लैप होती हैं, बाइकैप्सिड वाल्व। इस साइड पे जी ट्राइकैप्सिड वाल्व है। ट्राइकैप्सिड वाल्व के बारे में बताया कि उसकी लोकेशन ये है और बाइकैप्सिड वाल्व की लोकेशन ये है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइकैप्सिड वाल्व का एक और नाम है, उसे कहते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व है इज द ट्राइकैप्सिड वाल्व लोकेटेड। अब मैं इसकी लोकेशन, इन चारों वॉल्स की लोकेशन का बताऊंगी आपको। लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अच्छा, ये एट्रियम वर्ड को एट्रिया भी पढ़ सकते हैं, पर एट्रिया तब पढ़ते हैं जब हम सिर्फ एक एट्रिया की बात कर रहे हों, जैसे राइट एट्रिया। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है ट्राइकैप्सिड वाल्व। पल्मोनरी वाल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद मिट्रल वाल्व है, तो उसकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में है, इनके दरमियान। एओर्टिक वाल्व जो है वो लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। बाद हम बात करेंगे फंक्शंस की, कि हार्ट काम किस तरह से करता है। ओके, जो ब्लड इन एंड आउट अजान हो रही है, फंक्शंस में से है। ब्लड एंटर फ्रॉम द हेड बाय सुपीरियर वेना कैवा, एंड जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो लेग्स को ब्लड प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, दो तरह की ब्लड होती है, एक तो ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो विदाउट ऑक्सीजन है। सो अब मैं इनका पाथ भी बता सकती हूँ कि पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो वर्किंग की बात आ जाती है, जो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एट द टाइम, और उस वक्त जो है ट्राइकैप्सिड वाल्व ओपन हो जाता है। और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर बाइकैप्सिड वाल्व ओपन हो जाता है। अच्छा, ये जो वाल्व्स हैं एक ही वक्त पे ये ओपन और क्लोज होते हैं, बट ये दो जो वाल्व्स हैं, जैसे ये ट्राइकैप्सिड वाल्व हो गया, बाइकैप्सिड वाल्व्स, दोनों ओपन हैं, बट ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सअप होने नहीं देते। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में एक कवर होता है, इधर एक कवर होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, फिर जब बाइकैप्सिड वाल्व्स क्लोज होता है और ट्राइकैप्सिड वाल्व्स क्लोज होता है, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस दौरान में सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, ये सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है, और फिर ब्लड पास कर जाता है एओर्टा की तरफ। ये जो हमने एओर्टिक वाल्व लिखा हुआ है ये सेमिल्यूनर वाल्व है। ये जी बात हो गई इसके फंक्शन की। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एओर्टा जो है वो ब्लड पास करता है इन ऑल ओवर द बॉडी, और राइट वेंट्रिकल वाल्व ओपन होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स से। ठीक है, और फिर जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो
डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वो फिर से यही साइकिल स्टार्ट रहता है। ठीक है, आई होप आपको इसकी फंक्शनिंग की भी समझ आ गई होगी और स्ट्रक्चर की भी। अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद द अदर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।